दोस्तों हमने कई सारे बल्लेबाजों को लंबे लंबे छक्के लगाते हुए देखा है। 110 मीटर, 111 मीटर, 112 मीटर तक के छक्के लगाते हुए देखा है। यहाँ तक कि कई सारे बल्लेबाजों ने गेंद को डायरेक्ट स्टेडियम के बाहर भी भेजा है। लेकिन दोस्तों क्या आपने किसी बल्लेबाज को सिर्फ 3 मीटर का छक्का लगाते हुए देखा है? जहाँ दोस्तों जहाँ पे बल्लेबाज 110, 111, 112 मीटर तक का छक्के लगाते हैं, वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 3 मीटर के छक्के का। नहीं जानते हो तो अब जान लोगे। दरअसल दोस्तों ये बात है 2002 चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान मैच की। इस मैच के 26वें ओवर में श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज उपल चंदना ने पाकिस्तान के राशिद लतीफ को एक गेंद डाली, जिस गेंद पर राशिद ने स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले को लगकर सीधा विकेट्स के पीछे श्रीलंका के विकेट कीपर ने 3 मीटर की दूरी पर रखे हेलमेट को जाकर लगी। हेलमेट को गेंद लगने के कारण अंपायर ने पाकिस्तान टीम को 5 रन दे दिए। लेकिन गेंद हेलमेट को लगने से पहले दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन दौड़ के निकाला था, जिसके कारण अंपायर ने और एक रन पाकिस्तान टीम को दे दिया, जिसके कारण ये गेंद 6 रनों में तब्दील हो गई। जबकि इस गेंद पर 6 रन बने तो इस गेंद को छक्के के रूप में माना गया, जो कि दुनिया का सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट सिक्स बन गया, जो कि सिर्फ 3 मीटर का था। दोस्तों है ना एक इंटरेस्टिंग बात, तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है।